तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में गलत सीन को ज्यादा ही अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, कतई मजा आने वाला है यहाँ पे। यार एक तो हम करते हैं 1000 IQ गेम प्ले, उसके ऊपर से यहाँ पे एक लड़की को हम बुरी तरह डरा देते हैं, इतनी बुरी तरह कि यार वो भगने लगती है। अब गलत सीन कतई दबा के होंगे, लेकिन फिलहाल से भर नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे सिर्फ पिस्तौल लगी है हाथ। और यहाँ पर कोई शॉटगन भी चला रहा है। और यहाँ पे उतरते मेरे को जॉन विक की बनना पड़ता है। मतलब यार न जाने क्यों हमेशा ज्यादातर टाइम मेरे को पिस्तौल ही हाथ लगती है, लेकिन यार तुम्हारा भाई सिर्फ पिस्तौल से 3 बंदों को लपेट लेता है। यार इस पिस्तौल क्लच के लिए 1 लाइक बेलना मत भूलना। और आखिरकार जाके मेरे को पिस्तौल से बढ़िया गने मिलती हैं, शॉटगन और उजी मिल जाती है, जो कि यार काफी बढ़िया है शुरुआत के लिए, अपना काम चल जाएगा। खैर यहाँ पे एक और बंदा घर पे नौक पड़ा था, इसकी मैं पेटी बनाता हूँ। अब देखो सीन ऐसा होता है, हमको घेर रहे होते लोग। अब फुटिस्ट है बॉट के थे या फिर बंदे के, पहले हमें कद्दू कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे जो भी बंदा नेट करता है वो सिर्फ एक अकेले नेट से दोनों टीममेट को ले जाता है। अब सब कुछ मेरे ऊपर आ चुका है, नहीं तो भैया गलत सीन हो जाएंगे। और ऊपर से इसने स्मोक भी डाल दिया यहाँ पर। और यार कुछ भी कहो, ये बंदा काफी ज्यादा दिमागदार बंदा होता है। भैया इसने समोह कितना तगड़ा तरीके से किया कि यार क्या ही बताऊं। पहले मेरे को लगा यार नेड आया होगा, फिर मैं देखता हूँ समोह कैब, मैंने बोला ये समोह क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन काफी चलाक होता है असल में बंदा। ये भैया जी स्मोक सिर्फ और सिर्फ सीडी में करते हैं, ताकि यार मेरे को कद्दू कुछ ना दिखे सीडी में। नहीं तो देखो सीडी से ऊपर रस करते हुए बंदों को पेलना बहुत आसान होता है, एकदम मजाक की तरह होता है, लेकिन इसके स्मोक ने काफी मदद की उसकी। लेकिन आखिर में जब वो ऊपर आता है तब मैं पकड़ ही लेता हूँ। खैर वहां पे सिभरनी खाली हो चुका था तो पोचंग की पहुंच गया हम। अब पोचंग की में असली बंदे बैठे होते हैं, लेकिन यार इस बॉट के चलते हमको यही गाड़ी रोकनी होती है। गाड़ी रोक के बॉट की पेटी बनाई और भगते हुए जा रहा हूं सीधा रस करने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों बंदे एक ही दीवार के पीछे, मतलब यार दीवार काफी चौड़ी थी लेकिन एक ही जगह पे चिपके पड़े थे। मैं देखता हूँ यार ये बैठ के गोली चलाए जा रहे हैं। अब ये गोली किस पे चला रहे थे यार मैं पता नहीं कर पाता। अब सीन ऐसा रहता है, सामने घर पे इन्होंने एक बंदे को नॉक किया होता है, उसकी मेरे आंखों के सामने पेटी बन जाती है, लेकिन मैं किल नहीं चुरा पाता उसकी। खैर जो भी हो यहाँ पे लड़ाई काफी चल रही थी, तो यार क्या पता अभी और भी बंदे बाकी हो। खैर यहाँ पे मैं अंदर देखने आता हूँ कहीं कोई और तो नौक नहीं पड़ा है, कम से कम उसकी किल तो चुराऊंगा। लेकिन उतने में ही मेरे को सामने से आवाज आती है और अब देखो क्या होने वाला है। ओए घर में भी अंदर बंदा। हेलो।
5 4 2 ओ भाई बच गया, हम लेट हो गए। चलो और ये बेचारा अंदर आने के लिए तड़पता रह जाता है, लेकिन इसके टीममेट ने दरवाजा तक नहीं खोला घर का। बहुत ही बुरा। और यार ऐसे पत्थर दिल इंसान या फिर टीममेट किसी को ना मिले, हद से ज्यादा बुरा यार। वो मैं देखता हूँ आके ये कर क्या रहा है। नॉक वाला बंदा दरवाजे से ठुकरा होता है ताकि ये आके दरवाजा खोल दे, लेकिन जब वो देख लेता है कि मैं पहुंच चुका हूँ, वो पीछे वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक यार काफी देर हो चुकी थी। अब ये बंदा जो ऊपर बैठा था, इसने दिमाग लगा के नेट काफी बढ़िया किया था, लेकिन देखो बच जाते। देखो मैं तो पहले ही भग गया था, मेरा तो सीन सेट था बिल्कुल, लेकिन वहां पे हमारे टीममेट लोग रिवाइव हो रहे होते तो यार गलत सीन हो सकते थे। खैर वो सब हटाओ, यहाँ पे मैं पहले बॉट पहले के लिए रुकता हूँ, लेकिन उसके बाद यार देखने लायक चीजें होने वाली है। मैन पे ठोक नहीं जाता, एक खुद ठुके यहाँ पर आके। वो कैसे उड़ा रखे थे उसने, टेढ़ी चला रहा था। हम लाओ भाई की आपके लिए। और ये बाइक वाला बंदा तीन पहियों में चलने वाली बाइक को एक पहिया में चला रहा होता है। मैं स्कोप खोल के देखता हूँ, भैया गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है। मेरे को लगा ऐसा क्या सीन हो कि आप टेढ़ी क्यों दिख रही मुझे गाड़ी। बाद में पता चलता है वो कतई एक टायर पे गाड़ी भगा रहा है। और देखो इतने ज्यादा खतरनाक थे ये कि यार सीधा अपनी गाड़ी पे लाके ठोकते हैं। हमारे भाई ठोकना नहीं चाहते थे उन्हें, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लाके ठोकते सीधा। और उसके बाद पहला बंदा सीधा लेट के गोलियां पेलता है। बार बार बचे हम यहाँ पे। खैर उसी के साथ वो जगह भी खाली हो चुकी थी। अब देखो हम काफी ज्यादा भटकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये जो पीछे खंबा लगाया ना, ये पोस्टर वगैरह लगाए हैं। मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत भद्दा दिख रहा है वो पोस्टर। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, पोस्टर गया कद्दू लेने। भैया पबजी इंडिया लॉन्च करो तुम, न जाने कब करेंगे ये लोग। खैर हम पोचंकी पहुंच गए दोबारा। डाली क्या बैठी उसकी, नहीं डाली मुझे लग रहा है। और घूम फिर के हम पोचंकी में आए, और आखिरकार घूम फिर के पोचंकी में ही बंदे मिलते हैं। अब सीन ऐसा रहता है यार, जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं एक बंदा ओपन में दिखता है। मेरे को लगा यार ये बॉट आ गया, क्या करना अब। लेकिन जब वो लेटता है ना, मैं समझ जाता हूँ ये बॉट तो कद्दू भी नहीं है, क्योंकि बॉट लोग पहले एक आध गोली चलाते हैं फिर जाके लेटते हैं। खैर जो भी, अब जोन काफी छोटा हो गया था और बंदे भी गिने चुने बाकी थे, तो हम लोग जा रहे होते हैं गटका की तरफ जोन के अंदर। और अब हजार है क्यू गेम प्ले देखो आप। अंडे के नाटक करें यार, गाड़ी भी खाली है। ये नॉक हो गया, नॉक। अब चल ना महक। और यार ये वाले हजार आई क्यू गेम प्ले के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। मैं अपने टीममेट लोग को बोलता हूँ कि भैया तुम लोग ऐसा नाटक करो जैसे फाइट कर रहे हो आपस में, और फाइट करते ही सामने से बंदा पीक करता है। और यहाँ पे जिंदगी में बॉटों की कमी नहीं है। अब देखो हम लोग सीधा गाड़ी ठोक सकते थे, मैंने एक को नॉक भी कर रखा था, लेकिन यार मैंने सोचा थोड़ा तमीज से खेलेंगे, क्योंकि देखो हड़बड़ी पे रस करते हुए पेटी बन जाती है, तो मैंने सोचा यार जिंदा रह लेते हैं इस बार। अब ये लोग छत पे बैठ के गोलाबारी कर रहे होते हैं, नेड बिल्कुल जमीन में आके पड़ता है। मेरे को लगा था यार घर के अंदर या फिर आसपास कहीं फेंकेंगे ये नेड, लेकिन ये तो कतई जमीन में नेड करते हैं।
खैर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मेरे नेट तो बंदों के मुंह पे करने के बाद भी नहीं फटते बंदे। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं दरवाजे पे खड़ा होता हूँ ये देख के कि भैया ये लोग चाहते क्या है, क्या ये नीचे रस करेंगे या फिर पीक करेंगे। अरे भैया कुछ तो कर दो, कद्दू कुछ नहीं करते ये। तो देखो उन लोगों ने कद्दू कुछ नहीं किया तो अपने को ही कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ पीछे वाले घर पे क्योंकि देखो यहाँ से हल्का सा एंगल मिलता है, क्या पता एक और गलती से हेडशॉट में चिपका दूँ। लेकिन देखो वो लोग डर चुके हैं, सहम के बैठे पड़े हैं, और ये डर कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखो यार, डर इंटू 100 हो जाएगा कतई। खैर वहाँ पे पीछे जाके मेरे को कद्दू कुछ नहीं मिला तो मैं वापिस आगे पहुँचता हूँ। सेकंड फ्लोर में डाले हो तुम, हेल्प सेकंड फ्लोर में। तो बहुत है अभी, इधर इधर यहां पर, इधर इधर इस एंगल से मिल जा रही बिग एंग, इस एंगल से दिख रहा है बंदा, दिखा रहा है। अब ये लोग सीढ़ियों में कहीं बैठे होते हैं, एंगल मिल रहा था यहां से, लेकिन यार अब क्या ही कर सकते हैं। हां फ्री फायर होता है, तुम्हें डरा दिया बेचारी। Where are you going? कहाँ रही हो भाई, कहाँ रही हो? और यहाँ पर तुम्हारे भाई का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सेन्योरिटा नामक दीदी भगने पे आ जाती है। मतलब देख रहे हो अपना उसका टीममेट नीचे नॉक पड़ा है, उसकी पेटी बनाई जा रही है। दो मेरे दोनों टीममेट पे M249 होती है, दोनों बेरहमी से पेटी बना रहे होते हैं। अब बदला तो बहुत दूर की बात है, दीदी पीछे कूदती है, गाड़ी पकड़ती है और भगने की फुल तैयारी में। हद से ज़्यादा बेशरम यार, क्या फायदा। और सबसे खतरनाक बात यह कि यार उस पे सारी स्किन पड़ी थी, महंगे कपड़े, गन भी महंगी होगी और गाड़ी की स्किन तो पूछो मत कतई। लेकिन उसके बाद भी डरा दिया तुम्हारे भाई ने कतई। ठोक दो यार इस बात पे एक लाइक। बंदा नहीं खोल पा, कहाँ है बंदा, मुझे लग रहा है जहाँ के यहाँ मेरे बंदा। नहीं निकल दी, वीडियो निकाल रहा हूँ, तुम मार दो वहाँ पर निकाल नहीं निकाल सकते। अब भी तुम शुरू अब देखो यहाँ पे पहुँचने से पहले मैं बहुत खुश था। मैंने बोला यार लोग मेरे से डर के भग रहे हैं, अपना वो 1000 IQ गेम प्ले भी काम कर जाता है वो फाइटिंग वाला। ये अपन ने नया बनाया था ये ट्रिक, मेरे को लगा नहीं था ये चीज़ काम करेगी, लेकिन हाँ काम कर जाती है। मैं गोली चलाते मेरे दोनों टीममेट मैं स्नाइपर लेके खड़ा होता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे आके मुझे दुख क्यों होता है, क्योंकि जितने भी बंदे बाकी हैं ना, मेरे ख्याल से सारे के सारे बॉट हैं। अब देखो अब हमने इतना खतरनाक खेल दिया कि यार सारे बंदे हमने पहले ही मार दिए, सिर्फ बॉट बचे हैं, या फिर यार ये गेम ना खत्म होता जा रहा है, सिर्फ बॉट डाल रहे हैं ये लोग। अब इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। और यार देखो अब पबजी चाहता क्या है, ये सवाल मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन हमारी कौन सुनता है। पबजी वाले चाहते हैं कि भैया बॉट ही बॉट खिलाएं, 100 बंदों की लॉबी में ये 50 तो बॉट भेज देंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था 100 बंदों की लॉबी में सिर्फ और सिर्फ गिन चुन के 14 बंदे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, वहाँ पे 80 बॉट थे, मजाक से हटके 80 बॉट। आपको लग रहा होगा मैं ऐसी फालतू बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 80 बॉट थे उस मैच में, क्या ही बताऊँ। खैर आज के वीडियो में इतने यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चिकन चुकन हो जाता है, और यार वो जो डरा के भगाया है ना लड़की को, उसके लिए यार एक लाइक ठोकना मत भूलना। मतलब देखो क्या ही खौफ है तुम्हारे भाई की, मतलब कतई सेनोरिटा को भगा दिया।
सेन्योरिटा जो भी कहते हैं। और जाते जाते यार एक लाइक ठोकना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब। और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेम प्ले, डराने वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए तो आज के वीडियो इतने यार, कल मिलते हैं, बाय बाय।